बाबा ने कहा तो झाड़ू तू मारती थी? हाँ गुरुजी। नाम क्या है? कहो नाम क्या है, कहाँ से हो आई? साफ करते हुआ आश्रम हम द्यावे बधाई। बेटी क्या नाम है? बोली महाराज मेरा नाम है सबरी। वैसे तो राजा की बिटिया हूँ, लेकिन अब ना हमारे राजपाट धन धाम कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही का सहारा। गुरुजी बोले बेटी फिर तू खाती क्या थी? देखो बिरादर नहीं पूछा, जात पात पूछा ही ना कोई। हरिका भजे सो हरिका होई। जात पात कुछ जगह ऐसी होती जहां पर जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरुजी मैं ही हूं, पेड़ की छाल खाती नदी पानी पीती, 6 महीने हो गए। बाबा ने कहा बेटी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। नो स्पीकिंग नो डिस्टर्ब मी। बेटी चिंता ना कर, बताओ पेड़ की छाल नदी पानी, आज से इस आश्रम में तुम खुले आम रहो। आप का पूछे भैया सबरी आश्रम में खुला आम रहने लगी? सबरी अपने गुरु की 24 घंटा सेवा करने लगी, और चेला गुरु को वही प्रिय माना जाता है जो गुरु के नजदीक रहता है। सबरी अपने गुरु की सेवा करने लगा। अब जब गुरु जी की सेवा करने लगी तो जब चेला सब भूल गए तो अब आगे हो गए। अब जतने चेला रहे भैया ये सब ईर्ष्या करे लाग कि जब से यह आए गए तब से हमारे पे हाजिरी कट गए। चलो एक आज मारा जाए, कहा मारा जाए? नहा यही हुई मारो। सबरी उठाया अपने चीर को, जब स्नान करने गई तो सब चेलन ने सलाह करके सबरी को खूब मारा। सबरी रावत आई सुधी आई, बबुला की खूब रोई सुधी आई। सुधी आई नैहरवा की खूब रोई सुधी आई। रोवत सबरी सबरी गुरु के ढंगवाई, सत गुरुदेव रहे समझाई सुधियाई। गुरुदेव जी रहे समझाई सुधियाई। सुधियाई गुरु जी की खूब रोई सुधियाई। सबरी रोती हुई आई अपने गुरुजी के पास। गुरुजी ने आज गुरु भैया ने हमें खूब मारा, क्यों? मैं स्नान करने नहीं दिया, गुरुजी का श्राप लग गया। गुरुजी का श्राप लग गया, जैसे चेला स्नान करने चले तो क्या देखा कि वही मासा भैया आर्यांगे किरवा। चेला कहला गुरुजी से चलो बतावा जाए। गुरुजी अब कितना नहीं तालू सरीगा, हमारी जान में कौनो पड़वा मरीगा। चेला आए गुरुजी से कहा गुरुजी तालम साहब किरवा होएगे। गुरुजी ने कहा शिष्यों भक्त का अपमान ना करक चाहिए, तुम लोगों ने सबरी का अपमान किया है और सबरी के शरीर में वह शक्ति प्रकट हो चुकी है जो शक्ति हमारे शरीर में नहीं थी। जाओ सबरी को नहुआओ, तालाब को शुद्ध बनाओ। जब इतना कहा तो चेला मजबूरी फिर ले गए भैया। सबरी जैसे स्नान किया तो सरोवर तुरंत स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। घर का पानी बंबा क्यार भर दो, 2 महीना में यहां बाद में देखो पानी गोईता था। बताई घर का पानी भर के धर दो, साल भर में किरवा तो करिया वहां पूछता किरवा हो ये पानी भर के धर दो।
और गंगा के अर पानी लाख रख दो साल भरों का देखो ना पानी में कोई डिफरेंस आ जी हमसे मिलो। तो घर का पानी सर जाता है, गंगा का पानी नहीं सरता। क्यों? क्योंकि गंगा में संत नहाते हैं और तलैया में यहाँ कुतवार सियार नहाते हैं। जौने जगह पर संत है, संत जहाँ पर कदम रख देता है वो जगह तुरंत बहुत धर्मात्मा मानी जाती है। फिर ये जगह तो भैया महान है, जहाँ पर गुरु आगमन सुना जब राजा मिलन चलो ले विप्र समाजा। मेरे बंधु आज क्या मैं बता रहा था, सबरी अपने गुरु की सेवा कर लगी, चेला सब फिर बेचारे मौन रह गए। धीरे धीरे भैया गुरु जी का वृद्धापन आने लगा। एक दिन की बात है, गुरु जी को अटंडम कोई बीमारी आ गई, गुरु जी के अंतिम यात्रा आ गई। जितने चेला थे सब दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े और दौड़ के आए बोले गुरु जी जाती हो स्वामी तनी हमका बताए जाओ। एक चेला वाला गुरु जी जा रहे हो दुनिया तनी पैसा बताए जाओ। एक चेला बोला गुरु जी जाती हो स्वामी तनी लूंगी दे जाओ। एक वाला गुरु जी दुनिया पूछते हैं आप कैसे हैं, बाबा के जेरे टूट जेब हम पैसे हैं। बाबा के जेब हम पैसा भरे हो पुआता खोपड़ी पर से उलर उलर गिरते। अब बहुरियों कहें जा जा बाबा तेरे पैसा बाबा तेरे बाबा ए बाबा हमका थे आता ही ले चलो और जेब हम ईद पैता पिंडा जो कहते कहा। दुनिया पूछते हैं आप कैसे हैं जेले जेब हम यहाँ हे। हजारों मित्र होते हैं जब जर पास होता है गरीब में छूट जाता है भाई जो रिश्ता खास होता है। सब कोई चेला बोले गुरुजी हमका दे दो कुछ हमका दे दो। गुरुजी ने जो जिसने मांगा, किसी को अचला दे दिया, किसी को पीताम्बर दे दिया, किसी को कुर्ता दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को हीरा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और जब कुछ नहीं बचा तो बाबा के लिए बड़ी बड़ी जटा रहा है, जटाई उखाड़ उखाड़ दे लग लो भैया ले लो ले सबको। ए बूढ़े आदमी की दौलत से जो व्यक्ति प्यार करता है वो जीवन में कभी धनी नहीं बन सकता। बूढ़े आदमी के दौलत से जो प्यार करता है, बहुत ही बुढ़िया मरती हो और बहुरिया के निगाह बूढ़ा के नथुनी पर आई, इनका जो निकरे नथुनी गपत जेब हम धरा। अरे बूढ़े आदमी की दौलत के चक्कर में मत पड़ना, बूढ़े आदमी की दौलत से मत प्यार करना, बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से प्यार करना। दौलत दे देगा 10 दिन में 1 महीना में साल भर में समाप्त हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन अगर पाके दांतन से आशीर्वाद दे दिया तो ये समझ लो कि जीवन में धरे धराए न चुकी। बहुत देखो बुढ़वा मरते हैं, देखो जिनके पुरखा मरती वक्त पानी पाएंगे भगवान से जा कहें जा भैया जय तेहन भगा कहा हमारे लड़का गरीब हैं हमरे लड़कन का है नरक दे रहे हो। बुढ़वा मरा की आत्मा स्वर्गम पहुंची ऐसे निगरन नहीं रहा जा तो बुढ़वा मर कहें गवा तो भाई बाली या भगवान टाड़े कहा बुढ़ो का आशीर्वाद। बता ला चार पतवा है 10 लड़का 3 पतवा है 15 पोता सब तमाम घर बखरा और बुढ़वा मर रहा कट कलह रहा तो कहते हे भगवान जय तिहन कमायन खवायन तमाम कुछ देहन लेहन, लेकिन मरते वक्त हम पानी नहीं मिल रहा कहा बजाय जितने हम मर रहे रोए रोए उतने लड़का बिटिया मरी जाए। तो समझ लो बुढ़वा जैसे गवा तैसे सब लेके बहाय लेगा, धान रहे तो गंधी ले गए फरहा ले गए बयारे गेहूँ में कहीं यहाँ गिरवी खाए गए चाल न काबो न्यू पाए मुसीबत हमसे जाए ना सही मेगा गज गई न बर सब जला नीर युगांजल भाई रान भवा। बोलो सियाराम चल भगवान की। भाई मेरे तो कहा मतलब ही बुजुर्गन के आशीर्वाद में जुड़े रहो, इनके आशीर्वाद की कामना करो। सबको सब कुछ दे दिया चेलन ने गुरुजी ने, लेकिन एक चीज नहीं दिया, क्या मुई की बाणी नहीं दिया। सबरी अंत में पहुंची क्योंकि सबरी को मालकिन बनाया था गुरुजी ने। सबरी आई रोने लगी गुरुजी काहे छोड़े जा तो, अरे काहे छोड़े जा तो मोरे सत गुरुजी मोहे काहे छोड़े जा तू
मोरे सतगुरु जी। मोरे गुरु जी आरे काहे छोड़े जा तो मोरे सतगुरु जी। ई पर गंगा उई पर यमुना, ई पर गंगा उई पर यमुना, अरे बीचो मनवैया बोर जा तू मोरे स्वामी जी, चाहे छोड़े जा तू मोरे गुरु जी। नैहर की मारी गुरुद्वारे आई, सुंदर ही चुरिया काला इस फोरे जा तो मोरे गुरु जी, चाहे छोड़े जा तो मोरे गुरु जी। सदगुरु महाराज की जैसे बाबा मतंग ऋषि से कहने लगी, सबरी गुरु जी हमका छोड़े जा रहे हो, मैं किधर की नहीं रहूंगी। एक तो आपत की मारी, दूसरे विपदा राम ने डारी, तीसरे फूटो भाग रे मथुरा के पुल पर भगवन लुट गयो सुहाग रे। गुरु जी हमका छोड़े जा रहे हो, उस समय बाबा मतंग ऋषि ने कहा बिटिया, रोने लगे कहा बिटिया। ऋषि बोले हम पर कछु ना, ऋषि बोले हम पर कछु ना, तुम ही देव कर्मा जो हम एकदम। बाबा मतंग ऋषि बोले बिटिया हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, जो हम तुम्हें दे दे। हाँ एक चीज नहीं दिया, क्या? मुख की बाणी नहीं दिया, मुख की बाणी नहीं दिया। जाओ बेटी हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि सारी जिंदगी हमका हो गए है भगवान भजन करते करते, और हमका भगवान कभू ना मिली, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आपको बिटिया कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, दुनिया घूमे कहूं न जाओ, घर है मथुरा काशी है। बेटी तुमको भगवान स्वयं दर्शन देंगे, ये एक संत की जुबान बा, रवा कह दे लेस तो कह दे लेस, ये बात सत्य बा, सुन ला। इतना तो हम जरूर कबो झूठ नहीं खे कहा, जो भी कहला उस सत्य बोला, हम सत्य बोला और सत्य बोला, हम इतना कह। सुन बेटी दुनिया में कहूं न जाओ, एक संत की जुबान, प्रभु के बचन पर चाहे फीका, संत बचन पत्थर की लीका, हम उनके बचन हो ना भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बाहे गंगा। Thank you.
भगवान जरूर मिले। और इतना करके बाबा मतंग ऋषि भैया अपने प्राणों को त्यागने लगे। जब प्राण छूटे लागते भैया तो जौन बहुत प्रिय हमारे प्रेमी हमारे लड़का हो चाहे बीबी हो चाहे कोई हो, बहुत जौन हम का चाहते वहां भले कहे नहीं, हम तो देखे ना जौनी बूढ़क चक्कर बुढ़ो ऐमानी बेईमानी मक्कारी म्याड़ काटिन झगड़ा किन चोरी किन मक्कारी किन कोनो कर्म बाकी नहीं रखी जब बुढ़ो के जू निकले लगा। और आदमी जब मरे लगा तो दिखाई नहीं बोल नहीं पाई सब कुछ हुई लेकिन सुनाव नहीं बंद होत। यू ध्यान दे ले हो सुनाव नहीं बंद होत। बुढ़ो पड़े कर ही रहे हैं बूढ़ा बैठी वह त्रिका कहती हे भगवान ठीक करे काम नहीं करती हे भगवान इनका का है तकलीफ देह हो का संकट का है देह हो नी करो तो नी कह कह दो नहीं तो इनका कहीं चल ले जाओ। तब बढ़ो क्या दिमाग ठंडान ये बुढ़िया के चक्कर में भगवान भजन नहीं कह पाए बुढ़िया के चक्कर में कथा नहीं सुन पाए टायरन पर खटिया डांट डर धान उतरायन सुखे सुखे तब धरायन वह न कहीं हाँ खंडी खंडा खायन ये तरह जिंदगी पूरी खवायन। ओ या बुढ़िया या कौदा नहीं कह रही यार या कौदा यू नहीं कहा थे यार जय दाय मोहसे नगर तय दाय हो जाओ तब जाए जाना या दहिया बुढ़ानी मांगत दूध मिलाई ना पानी अब जाना हम दहिया बुढ़ानी तब सुनका सोचो केवला मांगा लगाओ बेर अब रहो है सोच केवला जब कांटा नहीं घेर। मेरे भैया और बहनों सबरी से बाबा मतंग ऋषि कह के प्राण त्याग दिया। सबरी ने अपने गुरु का पूरा ए गुरु का वचन मानो जो गुरु कहता है वो करो जो गुरु करता है वो काम कबहू ना करो। गुरुजी थैया फांदे पर है तुमसे कोई मतलब नहीं तुम बड़े मजम टाइट है गुरुजी ये बात तुम ना फांदो हो गुरुजी मैं क्षमता है निकल गई हो हम बता लगा नहीं दमदार हैं तो गप गप कह के मरी जाओ। गुरु कह दे फांदे पर हो तो फांदे पर हो क्योंकि गुरु में क्षमता है तो निकाल लेगा। गुरुजी की आत्मा जैसे परमात्मा क्या मिली सबरी गुरु के वचन मान लिया। अब सबरी क्या करती सोचती भगवान आएंगे जरूर। अब सबरी सोचती है क्या क्या सोचती मालूम गाना सुना दें। सबरी आश्रम में खड़ी सोच रही है गुरु का वचन है कब आएगा मेरा बंजारा कब आएगा मेरा बंजारा कब आएगा मेरा बंजारा ला 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 रा कब आएगा मेरा बंजारा कब आएगा मेरा बंजारा आएगा मेरा बंजारा आए नया फूल गुलाब का देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब का। भगवान हमारे बंजारा है कि नहीं है। अगर बंजारा ना होते तो भगवान गैया ना चराते। भगवान हमारे बंजारा है भैया। सबरी गुरु का वचन मानती है भगवान आएंगे जरूर। एक दिन एक ना एक दिन गुरु का वचन सत्य होगा लेकिन भगवान आज है तो करब का। अब ही अंगना नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान हमने आंगन नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान भैया अंगना नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान भैया अंगना नहीं बहारा कैसे आवेंगे भगवान अब से गंदा परा दुआरा कैसे आवेंगे सबरी तुरंत उठाती झाड़ू झाड़ू उठा करके और तुरंत पूरा झाड़ू आश्रम मारती। आश्रम में रास्ता है चार आश्रम में रास्ता है चार सवे गुरुजी ने बताया भगवान आएंगे लेकिन यूं नहीं बताया था भगवान कौने दिन है और कौने रास्ता में है
टाइम नहीं बताया था मेरे बंधु। सबरी पूरा आश्रम बहारती, माताओं सुन लो कुछ नियम होते, लक्ष्मी घर बुलाने के नियम, लक्ष्मी घर से भगाने के नियम। माताएं बहनी जब घर में झाड़ू लगावें तो अपने बालों को खोल दें, एक जगह पर बालों को खोल देना चाहिए और एक जगह पर बालों को बांध लेना चाहिए। जब घाड़ में झाड़ू लगाओ तो बाल खोल दो और जब खाना बनाओ तो बालन को बांध लो। खाना बनाते समय माताओं के तीन नियम होना चाहिए, कौन कौन नियम सुन लो। खाना बनाते समय नंबर एक, माताएं बहनी बाल बांध लें। नंबर दो, खाना बनाने से पहले, आटा गूंदने से पहले यूँ देख लो, हमारे सूपनखा का नानी का नाखून तो नहीं है, नाखून ना हो चाहिए। नाखून होते हैं आटा मारती हो, नाखूनों की गंदगी आटा में घुस जाती है, खाने वाला व्यक्ति बैक्टीरिया से परेशान रहेगा, इसलिए नाखून ना हो चाहिए। यहाँ देहात तो चलो ठीक है, शहर में यहाँ देखो, हम अभी आ रहे थे मोहनलालगंज से, यहाँ कालटो पर बैठे तो हमसे कहा लेगी अंकल जी दब जाइए, तो हमने कहा मैडम जी बैठ जाइए, तो कहे बातचीत हो लाग तो पता लाग हुई विकास नगर हम रहती हैं, बातचीत हो लाग हम हो भैया कम नहीं हुए, मान लो हम हो चले फिर इनका को भाई तो हो ही नहीं है, करामपुर मथुरा ऐसे है गए, जिससे जो कहे फोन करते कहाँ हो कहीं मथुरा में कथा हो रही, रामपुर न लगाओ तो मथुरा में पहुँच गए, तो जैसे अब देखे लागे बातचीत हो लागे, मैडम जी मैडम मतलब क्या हो, मीडियम क्या मैडम क्या मतलब होते हैं मीडियम, रिश्ता कोई नहीं बना काम चलाऊ है भाई, तो हम कह मैडम जी थोड़ा हम देख रहे का नाखून, तो हम कह नहीं नाखून क्यों रखाए हो, कहा लागी ये सब नाखून शोभा है, तो हम कह शोभा तुम कौन कल्टीवेटर वाला काम करे हो जो जुते हो ख्याल है, अरे इतने बड़े बड़े नाखून रखाए हो, सोप नखा जी के बड़े बड़े नाखून होगा कार सोप नखा, वो सोम नखा रावण की बहन है, ये बताओ नाखून ना हो चाहिए। माताओं खाना बनाते समय आप जितनी देर खाना बनाओ उतनी देर स्वस्थ रहो, बढ़िया खुशी रहो, गाना गाओ धीरे धीरे राग गाओ, है ना, बहुत ही जने देखो लड़ाई हो गई तरीक बातचीत, आटा मार रही बरबराए रही, छह महीना ये जीजो खो जग बहन यो थोप थोप कहो रोज रोज खाना बनाती बहुत ही जने, ए खाना बनाते समय माताओं बहनों को चाहिए कि मुंह बिल्कुल पवित्र हो, मुंह के अंदर कोई चीज ना हो, लेकिन हम तो देखा आटा मार रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, चूल्हे में यहाँ पुच पुच थूक रहे हैं, तो ऐसी वैसे कहे थूको डायरेक्ट हो है आटन थूको है कही हो चाहिए। एक पति बोला अपनी पत्नी से, देवी ये पुड़िया ना खाओ, पुड़िया खाई हो गुड़िया गुड़वा गड़बड़ हुई है, पत्नी बोली सुन लो चाहे पिया जाओ रोटी, कहा जो सुनाई खाए थे हम मैं के ज्ञान चुट्टी, चाहे पिया जाओ रोटी लेकिन पुरिया पुकारना है छोटी, चाहे सजन जाओ रोटी पुरिया पुकारना है छोटी, सास रूट जई है ससुर रूट जई है, चाहे ससुराल जाए छूटी चाहे ससुराल जाए टूटी पूरी अपकारना है छोटी, ये लगन है। खाना बनाते समय यही क्या करती सबरी, सबरी सोचती है अगी गली यही है भगवान सबरी के अंगना, यही गली यही है सबान सबरी के अंगना,
लंबे लंबे केस सवरी रहिया बहारे, लंबे लंबे केस सवरी रहिया बहारे। चारों रास्ता साफ करती है यही गली, ये गली, ये गली, ये गली यही है भगवान सवरी के घर मां, ये गली यही है भगवान सवरी के घर मां। सबरी सोचती है अगर भगवान आएंगे खवाई का, लोग कहते सबरी ने भगवान को झूठे बेर खवाए, लेकिन ना, सबरी बेर पर चढ़ती है, बेर खा लेती, बेर मीठा है तो 10-20 और तोड़ लेती। लंबे केस सवरी बार खुल्ला होके झाड़ू लगाती, उसके बाद हट्टे मिट्टे बेर सवरी चून चून धरी लियो, हट्टे मिट्टे बेर सवरी चून धरी लियो। भोग लगई है मेरे राम सवरी के घर मां, भोग लग सोचती भगवान है तो बैठे का। अब आज हमारे स्वामी जी यात्रा में निकले रहे, जी के घर में प्रसाद तैयार है, वही के घर का प्रसाद बट्टी का खायो ले। अब जैसे कहें रुका रुका गुरु जी रुका रुका, बच्चा में तो गबड़ी हूँ, तो गबड़ो चल रहे, तुम गबड़ो तैयारी रेडी रहो, रेडी रेडी। उसे की चटैया सवरी पीन चून धरी लियो, पीन चून रखी लिया, पीन चून धरी लिया। आसन ला गई है मेरे राम, आसन ला गई है सरकार सवरी के अंगना, आसन ला गई है सरकार सवरी के अंगना, सवरी के अंगना, सवरी के अंगना। ये गली यही है मेरे राम सवरी के अंगना, सबरी सोच कर। भैया सब दिन का यही नियम है, सारा दिन काम यही सबरी करती है भगवान की प्रतीक्षा में, सही काम करती है। आवाज भी देख लो, जिनके घर में बिहुआ वैया लड़का जवान है, बिहुआ नहीं आ रहे हैं, माताएं होशियार होती तो आधा गिला दूध चुरा धर देती, लड़का चाहे इतना रुआ दूध ना दे आए, क्योंकि पता नहीं करती बिहुआ फाट पड़े चाहे भाई कर हपो हपो हो जाए, सारा दिन दूध रखा रही संजा के खा लो काम खत्म। यहाँ सबरी करती झौवा भर बेर झबरिया भर रख लेती, सारा दिन रस्ते रहते, शाम को वही नाश्ता कर लेती, भगवान का भोग भी हो गया और भगवान की प्रतीक्षा में रखे भी रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने रिश्तेदार के आने की प्रतीक्षा में हम रख दें। मेरे बंधु सबरी यही करती है, धीरे धीरे इधर भगवान श्री राम की सीता का हरण हो गया, भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी देख राम ग्रहवाए, देख राम ग्रहवाए, सजल नयन लोचन जल छाए, सबरी ने देखा भगवान आए, तुरंत सबरी ने भगवान को बैठाया, भगवान को बिठाया और क्या करती है, बेर ला के रख दिया, चटैया बिछा दिया, भगवान देखा इतना आदर प्रेम, भैया
भगवान वे बेरन का भोग लगाने लगे, लेकिन लक्ष्मण के दिमाग में वायरस नाच गया, जात की पारसी ब्यार हम न खा भैया खाए। भगवान बोले लक्ष्मण तू बेर खा ले, लक्ष्मण मना नहीं करे लेकिन मनमा रोरी नाची कि ब्यार नहीं खाओ, ऐ लक्ष्मण खाओ। भगवान यहाँ परीक्षा ले रहे थे, लेकिन लक्ष्मण कहा करें बेर ले लें और झूठ मुंह करें और बहाना बनाए कर ये दुई दरुहा हो और होशियार वाला दरुहा जान कहा बैठत बरुआ पर बैठत, और जब वो पिए लाग वो जान तो उनका गिरा दिया, वो जान हम इनका गिरा दिया। तो जब वो पिए लाग तो बरुआ वाला कहा कि धीरे से ना गपत बारू घे सो के, और उनसे ज्यादा दारू पीछे बारू और उनसे ज्यादा वही नशे हम, वो जान तो वही गिर गया, वो जान वही गिर गया। जब वही बेहोश हो गए सही वाले निकारे मोबाइल निकाल के लेकर चला गया काला सर परोसवाओ। ए भगवान बैठ गए लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण बेर खाओ, लेकिन भगवान बेर खा के पहले धन्य रिश्तेदारी जाओ नात रिश्तेदारी जाओ खाना बाद में खाओ, पहले वाह वाह करो। वाह वाने वाह वाह माने जान का होते वाह वाह माने होते हैं गुब्बारा, वाह वाह माने का होते हैं गुब्बारा। लड़का गुब्बारा पावे और उनसे उजस फुलावे चले कर दो फुट जाए हाँ वोट कहाँ फुलाई भाई नहीं करब फुट कितना जाए फुलाई भाई नहीं करब, और जो फुलावे वो अत्ता बड़ा फूल है जैसे ही नो मिला जैसे अत्ता बड़ा फूल फिट हो तसे कह दे वाह और ताका लगा अरे वही वाह वाह मार फुलावे चले जा ककरी होएगा वाह वही वाह। और जत्ता वहाँ सीमा है वत तो रुकी और तुम वाह वाह की सीमा नहीं हवा के सीमा है, और जहाँ सीमा के बाहर वहाँ ग्वाला भवा है भड़म, जैसे ग्वाला भवा भड़म दगीगा लड़का उन्होंने रावर रावर गया मम्मी कहा है कहीं फलाने हमाल गुब्बाला फोड़ डालिन कहीं वही फोड़े कि तुम फोड़ो कहीं हवा हम भले इतना ना पना का इतना वाह वाह ये हम फूट गवा है तो सराउ वाह वाह वही कहता तुम कहे फोड़ो तो हम सब दुनिया है वाह खाना खाए जाओ तो खाना बाद में खाओ पहले वाह वाह ही कह दो तो अंदर के चीज पर हो और मजबूत। कौन दाल भले वाह कचपत ही बनी हो सब्जी भले कोई अखर के ना हो लेकिन जब सबने वाह भाई वाह वाह भाई वाह क्या दाल है क्या का दाल बड़ी है मस्त मस्त क्या रोटी खस्ता की खस्ता खस्ता कि सब्जी रे कि रबजी सब्जी दाल चावल के मार वाह वाह ही कह दो हैं तो तुम का अम्मा लोग हो सकते है घी वो परस दे और पहले जो कहते अरे मैं का खाए बच बचही सब्जी दाल कुछ नहीं लगे तो अगर घर वाला इशारा करे लगे अरे घी घी तो का कहते भितरिया है बस बनी होते मैं घी तुमका मतलब इशारा करती करती घूसन मारब जो भात दाल सब्जी खवान मरी गो तो कहा दे घी लिया है तो को ना जाने भगवान बेर खाने से पहले बताओ ए भूखे ब्यार अघान्यम गन्ना भूखे हो तुम ब्यार खा लो पेट ना खराब हो आ जाओ गन्ना खाओ छके पर खूब छके हो जत गन्ना चुसे हो उतना फायदा करी। सबरी के ब्यार भगवान खा रहे हो सबरी को धन्य बोल रहे तो ये धन्य है भेलनिया धन्नी सबरी तो ये धन्य है भेलनिया धन्नी सबरी सबरी।
सबरी जाना प्रभु घर आए खातिर करस बनाई, सबरी जाना प्रभु घर आए खातिर करस बनाई। सोचें दोनों भैया धन्ने सबरी मनमा, भगवान बेर खा रहे लेकिन प्रेम भरे बेरन को हरि ने लीन भोग लगाई, प्रेम भरे बेरन को प्रभु ने दिन भोग लगाई। लक्ष्मण झूठे बेर जान के, लक्ष्मण झूठे बेर जान के भी क्यों दीन पिछारी, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया नन्हे सवरी, पहुंचे पर्वत वाली वो लक्ष्मण के बहंगे हुए बेर कहां गिर रहे मालूम? बेर गए पर्वत पर पहुंचे वन संजीवन जाई, बेर गए पर्वत पर पहुंचे वन संजीवन जाई। शक्ति बाण लग्यो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लगे ओ लक्ष्मण के हनुमत दिए पठाई, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया धन्ने सबरी, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया धन्ने सबरी। जैसे भगवान बेर खा रहे लेकिन लक्ष्मण उन बेरन का अपमान कर रहे हैं, भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ इसका हम बदला लेंगे। वही बेर संजीवन बूटी पर पहुंचे दोड़ागिरी पहाड़ पर, हनुमान जी गए जब लक्ष्मण के शक्ति लगी, भगवान ने सिर्फ लक्ष्मण से बदला लिया। वही वैश्यसेन ने कहा राम हम लक्ष्मण को जिंदा कर सकते लेकिन बूटी राती राता वो चाहिए। बूटी हनुमान जी ले गए और ला करके बूटी लक्ष्मण जी को घोंट के वही बेर पियाए गए। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए, केवल मेघनाथ का लागू लगाया, भगवान ने अपना बदला लिया है लक्ष्मण से। लड़का हमार मांदा है 20 रुपए की दवा लाए, लड़का दवा नहीं पिए तो का दवा ना पिए जाई, दवा पिए जाई नीके नीके पी लो तो ठीक है लेकिन अगर इतना नहीं पी हो तो कहीं नीके हाथ पकड़ा हुआ है, तो जब हाथ पकड़ लेगा तो ग्वाड़ पड़पड़ाओ तो कहीं ग्वाड़ो दबाओ, तो बहुत लड़का हो मुट्टा जब मुहिमा ना दे तो करो क्वाटन नहीं तो कहीं एक काम करो धुआरा बंद करो बकल धुआरा नीके नहीं पी हो तो पी हो नागम पी हो तो पी हो। अगर लक्ष्मण मेघना लक्ष्मण अगर सबरी के बेर खा लेते तो मेघना लक्ष्मण के शक्ति नहीं मार पाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति दिया और नवधा भक्त कहो तो पाही भगवान बोल करके, और सबरी से कहा देवी अब अंत समय में तुम हमारे धाम आओगी। सबरी आज मेरे बंधु जब तक रही तब तक रही, आखिरी में भगवान के परम धाम को चली गई। बिना पति की सेवा किए कौनो स्त्री भवसागर नहीं पार हो सकती, लेकिन रामायण कहती है कि बगैर पति की सेवा किए सबरी गुरु की सेवा किया भवसागर पार हो गई। Thank you.
बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सभी लोग बड़े प्यार के साथ सबरी गुरु का नाम लेते हुए तर गई भैया, इसलिए हम सब बड़े प्यार के साथ एक नहीं कई लाखों तर गए थे श्री राम रटते रटते भगवान जपते जपते कई लाखों तर गए थे। तर गई थी गड़का भी तर गई थी मीरा भी तर गई थी शबरी भी तर गई थी शबरी भी तर गई थी। प्रभु का नाम जपते जपते हरि का नाम रटते रटते भगवान की सबरी वैकुंठ धाम चली गई।